हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। अस्तर के कपड़े को हम अपनी तरफ फोल्ड करके रखेंगे इस तरीके से, और टोटल लेंथ हमें यहाँ पर ले लेनी है। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ रखी है 14 इंच। 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है और डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर रखने हैं 5 इंच, आर्म होल लेने हैं 5.25 इंच। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा। आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर ली है। चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे 8 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। यहाँ पर मैंने चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर ली है और 1/2 इंच इस तरीके से आर्म होल तरफ से बाहर की तरफ करते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे, और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल की गुलाई देंगे। कमर है 26 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 6.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए। तो देखिए, मेरी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसे कट कर देना है इस तरीके से। इसके बाद हम इसे मेन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लेंगे। अब गले का मेजरमेंट लेंगे। तो नेक की विड्थ रखी है 2 इंच, गले की टोटल लेंथ ली है मैंने यहाँ पर 11.5 इंच। इसके ऊपर हमारी डिज़ाइन भी आएगी। नीचे से नेक विड्थ ली है 3 इंच। तो गले की जो लंबाई चौड़ाई है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर पॉट शेप ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से, ये देखिए। इसके बाद हल्का सा शेप हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ डिज़ाइन बनाने के लिए। शेप यहाँ पर शेप देने के बाद अब हम इसे कट कर देंगे इस तरीके से, और इसमें अच्छी फिनिशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे पेपर पेस्टिंग का। तो इसके बाद आपको पेपर पेस्टिंग ले लेनी है और डबल फोल्ड करके रखना है इसे। इसके बाद देखिए, हम इसे इसके ऊपर रख लेंगे बंद भाग की तरफ से, और गले के यहाँ से इसे ड्रॉ कर लेंगे। साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लेना है और इसे कटिंग कर देना है। तो इस तरीके से अब हम साइड से इसे कट कर देंगे। इसके बाद मैंने अस्तर का एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, जिसके लिए हम यहाँ पर जो बीच का डिज़ाइन है उसे ड्रॉ करेंगे और साइड से 1 इंच बढ़ाकर इसे कट कर देंगे। तो ये पैटर्न हमारा सेंटर में आएगा, और इसके लिए मैंने मेन फैब्रिक भी कट करके रख लिया है। तो इन्हें अभी हम साइड में रख लेते हैं और तैयार करते हैं बैक पार्ट को। तो बैक पार्ट को देखिए, मैंने इस तरीके से यहाँ पर रख लिया है। मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में हमें ज्वाइंट कर देना है। सबसे पहले हम गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। नेक के ऊपर सिलाई लगाने के बाद हम साइड से सिलाई लगा लेंगे, और आपको यहाँ पर हाथ से फिनिशिंग दे देनी है अंदर की तरफ, ताकि कोई भी सल या क्रीज बिल्कुल भी ना आए। इस तरीके से हम यहाँ पर बैक पार्ट को अस्तर के साथ जॉइंट कर देंगे, और इसके साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे आपको कट करके निकाल देना है। अब हम साइड से यहाँ पर, ये देखिए, पेपर पेस्टिंग और अस्तर के कपड़े को साथ में जॉइंट कर देंगे इस तरीके से, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। अब इसे फोल्ड कर देना है साइड से। इस तरीके से हम यहाँ पर इसे फोल्ड कर लेंगे, और इसके बाद देखिए यहाँ पर पेपर पेस्टिंग वाले पार्ट को इस पर इस तरीके से रखना है, और अच्छे से सेट करते हुए हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे। दोनों तरफ से इसे बराबर करते हुए पिन लगा लेना है। पिन लगाने के बाद अब मैं गले के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेनी है गले के ऊपर। अब देखिए, हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है, और पूरे ही गले पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। ये कट लगाने से हमारा जो गला है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पलट जाता है। इस तरीके से कट लगा लेंगे पूरे ही गले पर। कट लगाने के बाद एक सिलाई में अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर के कपड़े पर लगा लूँगी। ये सिलाई हमें गला पट्टी के ऊपर लगानी है। अब
अब हम गला पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ हमारा जो नेक है वो यहाँ पर तैयार हो गया है। अब एक सिलाई हम ऊपर से फिनिशिंग की लगा लेंगे इस तरीके से। अब सेंटर में एक कट लगाने के बाद दोनों ही तरफ हमें प्लेट्स डाल देनी है। ये आप बाद में भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से दोनों ही तरफ प्लेट्स लगाने के बाद अब हम नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर देंगे। नीचे से हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी को अटैच कर देना है और एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। अब कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। इसी के साथ देखिए हमारा जो बैक पार्ट है वो बन करके रेडी हो गया है। अब इसका डिज़ाइन तैयार करना है हमें, तो बीच का जो पार्ट हमने कटिंग किया था वो ले लेना है। तो देखिए इस तरीके से एक कपड़ा लिया हुआ है मैंने, जिसे हमें सेंटर से सिलाई लगानी है प्लेट्स डालते हुए। तो इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स हमें लेते जाना है और इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करते जाना है। ये देखिए इस तरीके से। तो इस कपड़े के ऊपर मैंने प्लेट्स डालकर नीचे तक इसे रेडी कर लिया है। अब एक एक प्लेट्स जमाते हुए आपको दूसरी तरफ से सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से एक एक प्लेट्स आपको लेते जाना है और इस तरीके से इसे सिलाई से दबाते जाना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी कर लेंगे। ये देखिए, तो ये जो पैटर्न है हमारा वो रेडी हो गया है। अब हमें इसका जो अस्तर वाला पार्ट कट किया था वो ले लेना है और इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए पिन लगा देनी है सेंटर में। सेंटर में पिन लगाने के बाद ऊपर नेक के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है हमें इस तरीके से। ये देखिए गला बनाते हुए सिलाई मैंने लगा दी है और इसका जो ऊपर का एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा वो हम कट करके निकाल देंगे। इसके बाद देखिए क्या करना है, छोटे छोटे कट लगा देने हैं इस पैटर्न पर। कट लगाने के बाद हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद ऊपर से एक सिलाई फिनिशिंग की लगा देंगे। इसके बाद हम साइड से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे और जितना भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक पैटर्न रेडी हो गया है। बस अब हमें इसके सेंटर में मोती अटैच करने हैं। तो ये मैंने छोटे वाले मोती लिए हैं और इसे लगा देंगे हम सेंटर में, तो इससे इसका जो लुक है वो और भी अच्छा आ जाएगा। पहले आप अच्छे से यहाँ पर इसे पक्का कर लें धागे को और सुई धागे से इसे टक करते जाएँ। एक के नीचे एक हमें मोती यहाँ पर अटैच करते जाना है पूरा इस डिज़ाइन के नीचे तक। नीचे से सिर्फ हाफ इंच का मार्जिन वाला पार्ट आपको छोड़ देना है। ये देखिए पैटर्न मैंने तैयार कर लिया है। अब हमें एक और पैटर्न यहाँ पर रेडी करना है। तो इस तरीके से देखिए एक सर्कल हम कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो कोई भी राउंड वाली चीज़ आप ले सकते हैं इसे कट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने लिया है अस्तर का, उसके ऊपर इसे मेन फैब्रिक को रख कर भी कट कर दिया है। तो इसका भी हमें डिज़ाइन बनाना है। पहले हम इसे पूरा सर्कल से स्टिच कर देंगे इस तरीके से। पूरा इसे सिलाई लगाकर हमें पैक कर देना है, उसके बाद इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। पैटर्न पे हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं इस तरीके से। फिर हमें देखिए क्या करना है, सेंटर से अस्तर वाले पार्ट को पकड़ना है और एक छोटा कट लगा देना है। उतना ही कट लगाना है जितना कि हम कपड़े को अंदर की तरफ निकाल लें। पलट करके हमें इसे सीधा करना है इस तरीके से। ये देखिए पलट के मैंने इस पैटर्न को हाथ से फिनिशिंग दे देनी है। सारे ही कपड़े को हमें बाहर की तरफ निकाल लेना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की लगा देनी है। अब इस पैटर्न को अगर आप चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं या फिर आप इसे लेस लगाकर डेकोरेट कर सकते हैं।
और इसके बाद देखिए हमें इसके ऊपर लगानी है लेस। तो मैंने ये वाली लेस ली हुई है, आप अपनी पसंद से कोई भी लेस ले सकते हैं। लेस आपको ज़्यादा ब्रॉड नहीं लेनी है। अब हमें देखिए यहाँ पर क्या करना है, सेंटर से इसे मार्क करना है। स्टिच करने के लिए तो सेंटर से इस तरीके से मार्किंग करेंगे और इसे बो का लुक दे देंगे। ये देखिए, अगर आप चाहें तो हाथ से सुई धागे से कर सकते हैं और नहीं तो आप मशीन से भी इसे कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक डोरी ली है, तो डोरी की लंबाई आप अपनी पसंद से बड़ी या छोटी ले सकते हैं। मैंने डोरी को थोड़ा लेंथ में ज़्यादा लिया है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसे डिज़ाइन बनाते हुए बो के अंदर अटैच करना है। तो इसका थोड़ा सा लुक हमें इस तरीके से देते हुए यहाँ पर इसे हम बो के नीचे अटैच कर देंगे। तो ये भी आप सुई धागे से कर सकते हैं या फिर मशीन से भी आप कर सकते हैं। तो अच्छे से हम यहाँ पर इसे पक्का कर देंगे। उसके बाद देखिए हमें इसे अटैच करना है। तो अटैच किस तरीके से करेंगे, पहले डिज़ाइन का ये वाला पार्ट इसके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पर आप इसे अच्छे से बराबर कर लें, उसके बाद इसे पिन अप कर लें ताकि स्टिचिंग करते समय आपको इसमें प्रॉब्लम ना आए। बराबर से रखने के बाद, पिन लगाने के बाद इसे सिलाई लगाकर आपको पक्का कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये पार्ट को मैंने अटैच कर दिया है और इस पर लगाऊंगी मैं लेस। तो जो मैंने बो के ऊपर लेस लगाई थी वही वाली लेस मैं इसके ऊपर लगा लूँगी इस तरीके से। तो पूरे ही नेक पर हमें लेस लगाकर कंप्लीट कर देना है इसे। ये देखिए, अब एक सिलाई लेस के साइड से लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे। तो लेस मैंने यहाँ पर लगा दी है और जो नीचे वाला डिज़ाइन है ये जो हमने रेडी किया था इसे हम यहाँ पर अटैच कर देंगे इस तरीके से। तो इसे भी आपको पक्का कर देना है और इसके ऊपर कोई भी फैंसी बटन या कुंदन आप अटैच कर सकते हैं। ऊपर की तरफ मैं डोरी भी लगा रही हूँ ब्लाउज में। तो ये डिज़ाइन हमारा बन करके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।